नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप जैन बोल रहा हूँ। मैं डायरेक्टर ऑफ जीआई ओंको सर्जरी इन फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग। तो आज हम बात करेंगे इस बारे में कि जो जो कोविड-19 का जो एरा है, इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, पैंडेमिक है, तो इसके चलते हुए काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स हैं, काफ़ी सारे लोगों में डर है कि क्या उन लोगों को हॉस्पिटल में किसी भी आवश्यकता की वजह से विजिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेजोरिटी लोगों में डर है कि जैसे हर एक हॉस्पिटल में कोविड के पेशेंट्स भी आ रहे हैं, जैसे हमारे हॉस्पिटल्स में भी कोविड के पेशेंट्स के अलग विंग बना हुआ है, तो सबके मन में एक डर है कि हमारे को जरूरत हो तो भी हम हॉस्पिटल में आए कि नहीं आए। तो इसके लिए मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि बिकॉज हमारे जो एक प्रोलॉन्ग जो लॉकडाउन हुआ है या काफ़ी टाइम मिल गया हमको, उसकी वजह से हर चीज़ हम लोगों को टाइम मिल गया इतना कि हम स्ट्रीमलाइन कर पाए हैं। तो हमारे हॉस्पिटल में भी जो एक अलग से विंग बना हुआ है कोविड पेशेंट्स के लिए, और इस विंग के अंदर जो हमारी एग्जिट एंट्री और जो इन्वेस्टिगेटिव फैसिलिटीज, पेशेंट्स और स्टाफ, ये टोटली सेग्रीगेटेड है। इसका जो जनरल हॉस्पिटल से कोई मिक्सअप नहीं है। इसमें हम बिल्कुल भी हम तसल्ली बख्श यहाँ सोच के आ सकते हैं कि हमारी कोई भी उन पेशेंट्स की वजह से किसी को कोई डर नहीं है। तो इसमें और दूसरी वजह से एक चीज़ और भी है कि जैसे हमारा जो फैसिलिटीज़ है, जो ऑपरेटिव फैसिलिटीज़ हैं, जो ओटी है, वो भी हमारी फुल फ्लज रनिंग में है, और जो हम पूरी हर तरीके की केयर कर रहे हैं। उसके अंदर आपका जो वेस्ट, बायो वेस्ट जो मटेरियल है, उसका सेग्रीगेशंस या पीपीई जो हम पेशेंट्स की प्रोटेक्शन और अपने लिए जो यूज़ करते हैं, वो पूरी तरह यूज़ करके हर चीज़ को सेफ बनाकर ही हम चल रहे हैं। सो किसी को भी हॉस्पिटल में आने की वजह से इस बात को डरने की जरूरत नहीं है कि उनको यहाँ से कोई इन्फेक्शन लगने का चांस है। देखिए, जो कम्युनिटी में फैला हुआ है, और जो उसी तरीके से जो कम्युनिटी में आपको डर है, उसी तरीके का डर तो हॉस्पिटल में भी हो सकता है, परंतु हॉस्पिटल में आने से आपको कोई एक्स्ट्रा डर हो या एक्स्ट्रा कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बारे में हम श्योर करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। थैंक यू।